चलिए एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं, मुझे उसके बाद बताइएगा हम कहाँ पहुंचे थे। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? कन्वेइंग अ मैसेज ऑफ द स्पीकर इन एक्चुअल वर्ड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, राइट? हमारे पास मैंने ही सेड आई एम सिक फर्स्ट करिए। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच इज अ स्पीच लाइक दिस इज हियर, conveying a message of the speaker in own words. He said that he is sick. अब आपके पास हो क्या रहा है? डायरेक्ट स्पीच की जो आप डेफिनेशन ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं, conveying message of the speaker in the actual words of the speaker. और इनडायरेक्ट क्या हो गई आपके पास? conveying a message of the speaker in your own word. मुझे ये बताइए कि वुड यू लाइक टू कॉपी इट, और मेरे ख्याल हम ये कर चुके थे जो मुझे याद आ रहा है यहाँ तक। सिर्फ एक रिकैप ले लेते हैं, रिवीजन ले लेते हैं और उसके बाद आगे जा सकते हैं हम लोग। इज इट सो? हैड वी डन दिस इन द क्लास? आई डू थिंक दैट वी डिड इट। मुझे बता दीजिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो मुझे वो भी बता दीजिए, आप लिख भी सकते हैं। व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू, वुड यू लाइक टू राइट इट इन योर नोटबुक्स, और वुड यू लाइक टू हैव अ स्क्रीनशॉट, और विल यू वेट टिल द रिकॉर्डिंग इज शेयर्ड विद यू? We wrote some rules. लिखेंगे, फिर जल्दी जल्दी करिए, ये इसको रहने दो। चलें, आपके पास ये रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, व्हाट आई रिमेम्बर। मैं इनको सिर्फ और सिर्फ एक रीकैप देता हूँ, बेटा वी डिड इट, मुझे याद आ रहा है हमने रूल्स कर लिए थे। कैन एनीवन टेल मी इफ वी डिड द रूल्स? ग्रेट, चलें, ये देखिए, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच इनवर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। हम इसको दोबारा कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि आपके लिए मैं दोबारा एक चीज वो रिकैप कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या है? इन्वर्टेड कॉमास को आपको क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। फिर दूसरा काम क्या है? अ सिंपल रिपोर्टेड स्पीच। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं एक रिकैप दे रहा हूँ। अ सिंपल रिपोर्टेड स्पीच इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय एडिंग द कंजंक्शन दैट। आप कंजंक्शन यूज करते हो कौन सा? दैट। लेकिन क्या नहीं करते आप? अगर आपको याद हो कि आपके पास अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे या क्वेश्चन होंगे या इंट्रोगेटिव होंगे, इसके साथ आप अगर ऐड करना चाहें तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर आप लोगों की याद दहाने के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज नहीं होता। क्या यूज नहीं होता? कंजंक्शन दैट। उसके बाद एक और चीज कर लेते हैं, आपके पास ये याद रखिएगा, ऑल प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस एंड द सीक्वेंस। सेंस एंड सीक्वेंस क्या है जी? आपको ये देखना है कि जो आपका प्रोनाउंस है वो कैसे हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि आपके पास रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को देखते हुए आप जो है वो चेंज कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, या किसी भी जो आपके पास ऑप्शंस मौजूद दिए गए होते हैं, तो आपको देखना ये है कि इधर द प्रोनाउंस आर राइटली चेंज्ड और दे नीड टू बी चेंज्ड। उसके बाद आखिरी बात क्या है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है? द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच नेवर चेंज। ये बेटा ये यहाँ पे वर्क किया हुआ है, इसको स्पीच कर लीजिएगा और रिपोर्टिंग भी कर देते हैं, ये ठीक हो गया। अब ये कॉमन सी बातें हो गई चंद, जो कि हमें पता होनी चाहिए और हम ये जानते भी हैं। एंड वी डिड इट, एंड वी डिड
If reporting verb or reporting speech is in past, present or future tense, in the reporting speech changes in the following manner. Chennai, main aap logon ko ek chota sa isko change kariye, change karke you can actually send me in the chat box. आप इसको चेंज करके मुझे चैट बॉक्स में भिजवा सकते हो. चले मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड्स चेंज करता हूँ. यहाँ पर मेरे पास बेटा मैं दोनों स्लाइड्स पे वापस जा रहा हूँ. इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए अपने पास, राइट. दिस वन मुबशरा, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका. अगर लिखने पे मैं जो लिखने वाला होगा फिर मैं आप सबसे कह दूंगा कि लिख लीजिए. This is slide one, जो कि एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि लिखना है. This is slide two. इसको भी बेटा इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Then, as you get done, please chat me out so that I can. Just remove it and go forward. Good. Welcome, beta. Next में आ जाइए. हम लोग ये कर रहे थे, मैंने आप लोगों को एक चीज एक छोटा सा ऑप्शन दिया था क्योंकि आप कर चुके हो. ही सेड ना सिंग्स अ सॉन्ग. अब आपने क्या किया, इसका आंसर कुछ बच्चों ने मुझे भिजवा भी दिया. ही सेड दैट ना सिंग्स अ सॉन्ग. हुआ क्या है आपके पास, इसको जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ इट इज बीइंग डन. अब आपके पास क्या था, ये इन्वर्टेड कॉमा था. ये आपके पास द रूल इज आपको क्या करना होता है कि दिस इन्वर्टेड कॉमा नीड्स टू बी रिमूव्ड. और आप ऐड क्या करते हैं इसकी जगह कंजंक्शन. कौन सा कंजंक्शन ऐड किया हमने, दैट. नाउ सिंस नाज वाज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन था इसलिए नाज को चेंज नहीं किया गया. उसके बाद आपके पास क्या है, अगर आप ये देखते हैं, ये आपके पास वर्ब है. कौन सा वर्ब है, सिंग्स. सिंग्स कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट टेंस. अगर ये आपके पास ये वाला हिस्सा अगर पास्ट होगा तो दिस चेंजेस, दिस प्रेजेंट डेफिनेट चेंजेस इनटू past indefinite. This present indefinite changes into past indefinite. इसलिए आपने क्या किया कि आपका ये जो present indefinite था sing changes into sang. So आपके पास बना क्या, he said inverted comma na sings a song. He said that na sang a song. ये आपके पास पहला option हो गया. एक और देखिए, इसको चेंज करें. ये किया भी हुआ है इससे मिलता जुलता हमने. आप लोग मुझे चैट बॉक्स में भिजवा सकते हैं इसके आंसर्स. Good. There are few student Ata ne bhijwa diye hai and his answer is right. Ramin ne bhijwa diye hai, her answer is right. Do see it again.
मुबशरा है सेंट। बेटा ये देखिए आपके पास है क्या, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। बेटा ये मैंने आंसर दे दिया है, आपके पास क्या है, शी सेड माई अंकल विल कम। आपने क्या किया, शी सेड हर अंकल विल कम। अब आपके पास प्रोसेस क्या होता है, इसको जरा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या है, दिस इज माई, माई कौन सा पर्सन है, माई माई इज बेसिकली वर्किंग, माई अंकल इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट। अब आपके पास क्या हुआ है कि आपको ये देखना है कि आपके पास माई अंकल, सिंस माई इज फर्स्ट पर्सन, तो ये आपके पास फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी, शी इसका मतलब है माय चेंज इन टू हर, शी सेड हर अंकल। ना एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है जी, विल। विल आपके पास जब भी विल आएगा तो विल चेंजेस इन टू वुड, सॉरी will change into would, ये इसको देख लीजिएगा, will changes into would, but शर्त ये आपके पास इसके लिए लाजमी ये होता है कि आपका ये reporting speech का जो tense है, जो के क्या है जी, tense should be in past, इसके लिए लाजमी है will into would, sing into sang, ये उस सूरत में होगा अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच किस में होगा, पास्ट में, पास्ट में मीन आपके पास प्रेजेंट में होगा, सॉरी। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या था, सेट, सेट था, तो इसलिए टेंस शुड बी इन पास्ट, पास्ट में था, दैट्स व्हाई आपका ये विल किस में चेंज हो गया, वुड में चेंज हो गया। अगर ये प्रेजेंट होता तो चेंज नहीं होता। इसको हम दोबारा करते हैं, इस पे से किसी ने कोई चीज नोट करनी है तो कर लीजिए जल्दी से। जैसे कोई चीज नोट करनी है बेटा, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ज्यादा बेहतर है। Then, I hope if you wanted to write or you wanted to have a screenshot, you should have done it. हम आगे चलेंगे जी थोड़ा सा। He said to him, "I drove a car." Now change it. He said to him, "I drove a car." इसको change करिए जरा।
जी डन, गुड। देर आर सम स्टूडेंट्स, बेटा आई वॉज नॉट स्पीकिंग सो यू कुड नॉट हियर मी डेफिनेटली। He told me that he was driving, okay, driving, driven, had driven, right. But this is the answer. चेक करिए आप लोगों ने क्या लिखा है। अब आपके पास क्या है, सेट मैंने जब इंट्रो दिया था तो उसमें ये बताया था कि when there is said to, तो आपके पास said to changes into told, when there is only said it simply remains, said remains said। और आपके पास एक और चीज मैंने बताई थी कि अगर आपके पास किसी भी तरह से कोई भी सेंटेंस जो कि रिपोर्टिंग स्पीच है, if it is having only subject, तो आपके पास said remains said, if it is having the subject along with an object, उस सूरत में आप क्या करेंगे, said to change into told, तो ये हो गया said to, क्या हो गया, he said to him, he told him, inverted comma हटा क्या हो गया that। now again आपके पास क्या है यहाँ पर, I कौन सा person है, first person changes according to the subject, ये क्या हो गया, he drove, present past indefinite है, तो past indefinite basically changes into past perfect, past indefinite changes into past perfect, drove है तो उसकी third form क्या हो गई, driven, had आ जाएगा ताकि ये क्या बना सके हम, perfect। तो ये आपके पास जिनका ये है इस तरह का answer है, that is the right answer। कोई question यहाँ तक किसी ने पूछना हो, if you want to note it down you may, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है जी, राइट। देयर आर टू थिंग्स, ही टोल्ड, देखिए बेटा दो चीजों में फर्क रखना है, यहाँ पे एक सवाल है उसको मैं सबके लिए बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ, दो चीजों में फर्क रखिएगा। एक चीज आपके पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ सके। दिस पार्ट आपके पास ये एक हिस्सा है जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, एक आपके पास दूसरा हिस्सा है जो कि बेसिकली किसमें है, इन्वर्टेड कॉमाज में है। आपके पास होता क्या है कि वो हिस्सा जो आपका आपके दो हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टिंग है और दूसरा क्या है, रिपोर्टेड है। अब आपके पास क्या है, ये रिपोर्टिंग है, कौन सा रिपोर्टिंग है जी, ये इसको देखिए आप जरा, दिस इज रिपोर्टिंग, राइट, दिस इज रिपोर्टिंग, और ये आपके पास क्या है, रिपोर्टेड है, कौन सा रिपोर्टेड है, अभी एक मिनट रुकिए मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करता हूँ ताकि आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ सके। दिस वन, ये देखिए, नाउ जो इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा होता है वो रिपोर्टेड होता है और वो ही तब्दील होता है, उसी में चेंजिंग आप ला सकते हो, आप रिपोर्टिंग में चेंजिंग नहीं ला सकते। यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनेट,
आपका फ्यूचर विल होता है या शेल होता है, तो विल चेंज इनटू वुड एंड शेल चेंज इनटू शुड। अब आपके पास यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, राइट। लेकिन यहाँ पर सेड है तो सेड ही रहेगा, यानी कि ये पास्ट है तो ये पास्ट ही रहेगा, इसको आप पास्ट परफेक्ट नहीं कर सकते। ही सेड, आप ये नहीं करोगे ही हैड सेड, राइट। तो ये आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग इज नेवर चेंज्ड, जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को। तो इसको अपने पास अगर दोबारा स्क्रीनशॉट लेना चाहें या अपने नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए कि दिस पार्ट नेवर चेंजेस, और इस तरह ये चीजें होती हैं। कोई क्वेश्चन यहां तक? कोई क्वेश्चन यहां तक? राइट, ठीक है जी। आई गेस देयर इज नो क्वेश्चन, और इज देयर? लास्ट भी सेम है बेटा, ये भी आपके पास पास्ट है। कहीं चेंज नहीं हुआ, ये सेड पास्ट इंडेफिनिट होता है, टोल्ड भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, कुछ चेंज नहीं हुआ। आप दोबारा देख लीजिए जिनको समझ नहीं आया। दिस, ये लास्ट सेंटेंस जो है सेड है, सेड रहा है, ये रिपोर्टिंग है, रिपोर्टेड में चेंज हुआ है जो कि इनवर्टेड कॉमा है, ये पास्ट इंडेफिनिट था जो कि चेंज हुआ है पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। मैं थोड़ी देर में रूल्स भी दे देता हूँ आपको। चले जी, वी विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंसेस, आपके पास सिंपल सेंटेंसेस ये है, आसिफ सेज। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे है, सैम इज प्रेजेंट। अब आपने क्या किया, आसिफ सेज दैट सैम इज प्रेजेंट, क्यों हुआ? यहाँ पर आपके पास क्या था, आपका ये रिपोर्टिंग क्या है, पास्ट है, सॉरी प्रेजेंट है, सेज है, इसलिए आपने इसको सेम इज को इज रहने दिया। लेकिन सपोज अगर ये सेज की जगह सेड होता तो सैम वॉज हो जाता, राइट। एक चीज हो गई। दूसरा, कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आप इसको शायद बेहतर अंदाज से। नाउ दे विल से दे आर रेडी टू गो। अब आप यहाँ पे देखिए दे विल से सेम रहेगा और दे सेम रहेगा, आर रेडी टू गो भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास तमाम चेंजेस जो कि होती हैं वो उस सूरत में होती हैं जो, अगर मैं इस स्लाइड पे फिर वापस आऊंगा आपको समझाने के लिए, अगर कोई कंफ्यूजन रह गई आफ्टर डिस्कसिंग दी रूल्स। विल से है यहाँ पर लिखा हुआ तो विल से ही रहेगा, इसमें कोई चेंज, अगर ये यहाँ पे सेम आ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट होती है या फ्यूचर होती है तो यहाँ पर किसी तरह की तब्दीली नहीं होती, सेम रहता है। प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट रह जाएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रह जाएगा, ये पास्ट में नहीं जा सकता। हम यूनिवर्सल ट्रुथ कर लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ आमतौर पर बच्चों को आते हैं। बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ करने से पहले ये जरा चीजें देखिए। आई एम गिविंग यू 4-5 मिनट्स, 5 मिनट्स ज्यादा, 5 मिनट्स के अंदर अंदर इसको अपने पास कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू। कॉपी इट आउट और मेक अ टेक अ स्क्रीनशॉट। बेटा मैं उस स्लाइड पे वापस आऊंगा, पहले आप इसको करिए, आप इसको अपने पास कंप्लीट कर लीजिए, मैं उस स्लाइड को वापस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दोबारा वापस आऊंगा। एज यू पीपल गेट डन डू इन्फॉर्म मी इन द चैट बॉक्स। चलिए जी, आई होप यू पीपल हैव डन। जरा मेरे साथ रहिएगा और साथ साथ पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा समझ आ जाएगी। बेटा ये सारी जो चीजें चेंज की जा रही हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच किसकी है, रिपोर्टेड स्पीच। प्रेजेंट डेफिनेट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, बेटा
मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ आपके पास क्या है, जो प्रोसेस है दो चीजें बच्चे के जहन में आती हैं कि सर हाउ कैन दैट बी पॉसिबल दैट दिस इज इन पास्ट परफेक्ट एंड दिस इज आल्सो इज इन पास्ट परफेक्ट एंड द अदर थिंग व्हिच माइट बी डिस्टर्बिंग यू कि सर ये भी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जा रहा है और ये भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जा रहा है। दिस इज व्हाट ग्रामर इज, ये ग्रामर है, मीन आपके पास इसी तरह होगी। आपके पास हाउ मेनी टेंसेस आते हैं कोई बता सकता है, हाउ मेनी टेंसेस आते हैं? जी सो गए, टेंसेस कितने हैं भाई? देर आर, मेरे मुताबिक मैंने अगर आप लोगों को याद हो क्लास में बताया था, देर आर ओनली टू टेंसेस याद है, लेकिन ओवरऑल देर आर 12 टेंसेस। आपके पास होता क्या है कि प्रेजेंट, जी जस्ट होल्ड ऑन, 12 टेंसेस हैं। किस तरह? क्योंकि आपके पास तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और आपके पास तीन टेंसेस के तीन चार चार हिस्से हैं, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब ये सारे के सारे मिला के आपके पास क्या होते हैं, 3 × 4 = 12 टेंसेस। अब 12 हो गए, यहाँ पे कितने लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी 6 कहाँ गए? नीचे आइए जरा, विल और जो शेल है ये आपके पास यहाँ पर कुछ चीज मिसिंग है। विल और शेल एक्चुअली मुझे बाद में बताना होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसके साथ ही मैं ऐड कर रहा हूँ। विल होगा तो विल चेंजेस इनटू, बेटा यहाँ पे अपने पास नोट करिएगा, विल चेंजेस इनटू वुड और शेल चेंजेस इनटू शुड। तो ये आपके पास विल अगर आ जाता है तो विल रहेगा, हो जाएगा चेंज किसमें, वुड में, और शेल चेंज हो जाएगा किसमें, शुड में। इस चीज को याद रखिएगा, से होगा या सेज होगा तो स्लाइड खराब हुई है, से होगा तो से हो जाएगा और सेज से सेज इस तरह रहता है। से टू होगा तो इट वुड बी टेल, से टू होगा तो, लेकिन अगर सेज टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। सेट रिमेन्स सेट, सेट हमेशा क्या रहता है, सेट। अब यहाँ पे मैंने इसको ओवरऑल लिया है कि सेट टू अगर होता है तो सेट टू कैन बी चेंज इन टू मेनी थिंग्स, like it can be told, it can be requested, ordered, advised, suggested, informed, prayed, forbade, exclaimed with, ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे यूज की जाती हैं। तो इसको अपने पास अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए। कोई सवाल है बेटा तो भी पूछ सकते हो आप, बिकॉज आई हैव टू वाइंड अप माई क्लास इन 1 to 2 minutes। इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें, इसको लिखना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो ये है राइट, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। कोई भी चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए। Any questions, anything? कोई question नहीं है बेटा? ठीक है, इसको अपने पास screenshot में ले लीजिए ताकि इन चीजों को आप समझ सकें और अच्छी तरह और आसानी से और बेहतर अंदाज से समझ सकें। ठीक है जी, हम मुझे याद कराइएगा एनी स्टूडेंट का इन द कमिंग क्लास कि हमने क्या एंड किया था। वी वर एट दीस चेंजिंग्स ऑफ टेंसेस वाइज चेंजेस, तो हम यहीं से टेंसेस वाइज चेंजेस से इसको कंटिन्यू करेंगे। For the time being, from my side, I have to wind up the class in 1 minute. I don't have more time than 1 minute. So, किसी ने कुछ पूछना हो फिर भी पूछ सकते हैं। मज़ेदार changes हैं, हम coming class में discuss करेंगे। ये जो आपकी universal tip था, इसको भी coming class में discuss कर लेंगे। कोई question नहीं है आप लोगों की तरफ से? I think so that you are not having any question at all.
बेटा मैं इस स्लाइड को आसिफ वाली को दोबारा नहीं चला रहा, बिकॉज मैं आपके साथ रूल्स डिस्कस करूंगा, चेंजेस डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस पर आ जाऊंगा। आप याद रखिएगा, मुझे कमिंग क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए इसका, ये क्योंकि सिंपल चीजें थी। मैंने ये शेयर कर दी आप लोगों के साथ स्लाइड आसिफ वाली जो थी, एक्चुअली ये सिंपल है, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे अगर पास्ट नहीं होता तो चीजें कैसे चेंज होती हैं या चेंज नहीं होती। Right, I'm winding up my class. Have a good day, good night. Allah Hafiz.